तो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग, स्वागत है कॉन्डीपुर में। और आज रियल मी की तरफ से 5.0 बेस एंड्रॉइड 14 का एक अपडेट रिलीज हुआ है। कौन से डिवाइस के अंदर रिलीज हुआ है, कैसे आपको ये अपडेट देखने को लगा, क्या है रिक्वायरमेंट, सब कुछ आपको पता चलेगा। और आगे इस मंथ हमें कौन कौन से डिवाइस के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा वो भी इसी वीडियो में बात करेंगे, और कब जाकर रिलीज होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको रियल मी 5.0 बेस एंड्रॉइड 14 के ऊपर इंटरेस्ट है या फिर रियल मी के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों Realme Y 5.0 बेस एंड्रॉइड 14 का यह लेटेस्ट अपडेट Realme Narzo N55 के अंदर आज रिलीज हो चुका है। Realme Narzo N55 के अंदर हमें ईयरलेक्सेस अपडेट देखने को मिलता है, मतलब ये फर्स्ट ट्रायल अपडेट है जो आपको Realme की तरफ से देखने को मिलेगा N55 के अंदर। और कैसे आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा और क्या कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आपको बता दूँ, 18 दिसंबर 2023 आज से अपडेट रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है ट्रायल अपडेट। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के प्रोसेस हमने हर बार बताया है और आपको आई होप पता होगा कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। मैंने बहुत बार बता दिया है, अगर नहीं पता तो मैं आखिर में बता दूंगा कैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें क्या कुछ और चाहिए, तो पहले अपने डिवाइस में 15 GB तक स्टोरेज क्लियर रखना, ताकि आप अपडेट को बेझिझक कर पाओ, कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करें दूसरे बारे में कि कैसा आपको अपडेट मिलेगा, क्या है रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे चेक करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। तो आपको जो रिक्वायरमेंट लगेगा इस अपडेट के लिए, RMX 3710 11A.63 वर्षन, लास्ट OTA वर्षन था, यही यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे रखा गया है। अगर ये वाला अपडेट आपके पास है तो आप इजीली अपडेट कर सकते हो एंड्रॉइड 14 का, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस में जो ट्रायल अपडेट देखने को मिलेगा उसके वर्षन के बारे में बात करें तो RMX 3710 14.0.0.80 SP02 EX01 ये वाला वर्षन आपको देखने को मिलेगा 5.0 बेस एंड्रॉइड 14 के ऊपर। तो अगर आप अपडेट के लिए अप्लाई करते हो अपने डिवाइस में तो आपको अंडर 24 आवर्स अपडेट देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 14 बेस रियल मी 5.0 का, ठीक है। साथ ही साथ Realme C55 के अंदर भी आज Realme की तरफ से जो अपडेट है Realme Y 5.0 बेस एंड्रॉइड 14 का, वो Realme की तरफ से आज रिलीज हो चुका है। मतलब इस मंथ हमें 3 डिवाइस के अंदर कुल अपडेट देखने को मिल गया, Realme 10 Pro 5G, Realme C55 एंड Realme Narzo N55। तो इसके अंदर हमें कैसे अपडेट देखने को मिलेगा Realme C55 के अंदर, मैं आपको बता दूं, आज ही को रिलीज हुआ है और अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले 15 GB तक स्टोरेज क्लियर रखना, ये सबसे पहले मतलब बहुत एसेंशियल पार्ट है अपने अपडेट का। अब बात करें अपडेट के बारे में, क्या सब कोई अपडेट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ वर्जन अपडेट रिक्वायर पे है वो आपको लगेगा RMX 3710 11A.63 वर्जन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्जन है। अगर ये आपने डिवाइस में करके रखा है पहले से ही तो आपको ये वाला अपडेट देखने को मिल जाएगा। मतलब लास्ट जो OTA वर्जन था, अगर अपने डिवाइस में करके रखे हो तो आपको जरूर ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। और एप्लीकेशन करने के बाद आपको ये अपडेट 24 आवर्स के अंदर रियलमी की तरफ से भेज दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप Realme की तरफ से जो अपडेट का फॉर्म दिया जाएगा अगर आप उसे फिलअप करते हो तो 24 आवर्स के अंदर आपको जो ट्रायल अपडेट है वो भेज दिया जाएगा। ट्रायल अपडेट के बारे में बात करें, जो वर्जन आपको देखने को मिलेगा एयरलेक्सेस का वो होगा RMX 3710 14.0.0.80 SP02 EX01, ये वाला वर्जन आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट ट्रायल अपडेट होगा Realme C55 के अंदर। दोस्तों साथ ही साथ Realme 10 Pro 5G के अंदर Realme की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट भेज दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ Realme Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 यूज़र के लिए, एंड्रॉइड 14 यूज़र के लिए नहीं है अभी ये अपडेट। अगर बात करूँ इस अपडेट के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, सबसे पहले नेटवर्क के अंदर आपको एड सपोर्ट और VONR ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे वोल्टी का होता है वैसे VONR ये 5G के लिए, ठीक है। साथ साथ सेटिंग्स के अंदर आपको हेल्प एंड फीडबैक सेक्शन देखने को मिलेगा, सिस्टम में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और दिसंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच भी आपको इस अपडेट के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। अगर आप 5G नेटवर्क यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपडेट होगा ये वाला अपडेट। और वर्जन के बारे में बात करें तो RMX 3660 11A.46 वर्जन आपको देखने को मिलेगा इस अपडेट के साथ। दोस्तों इस मंथ और सिर्फ एक डिवाइस के अंदर अपडेट बाकी है, वो है Realme 10 Pro Plus 5G, जिसके अंदर हमें इन फ्यूचर मतलब 25 दिसंबर से पहले ही अपडेट देखने को मिल जाएगा। और अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब जाके अपडेट आया है, कैसे आपको अपडेट करना है, क्या है रिक्वायरमेंट, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो यही था आज का वीडियो, मैं मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए गुड बाय।